इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लखनऊ सीजीएम कोर्ट में हुए बम कांड को लेकर बेल्थरा रोड तहसील के अधिवक्ताओं में आक्रोश दिखा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीजीएम कोर्ट परिसर में बमबाजी से हुए हमलों में घायल वकीलों के सपोर्ट में बेल्थरा रोड तहसील के भी वकील उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आक्रोशित नजर आए। आप जो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेल्थरा रोड के अधिवक्ताओं की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि सड़क से लेकर संसद तक उतरेंगे हम अधिवक्ता अगर कानून व्यवस्था सरकार सुदृढ़ नहीं करती। मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता एडवोकेट है। मैं यहाँ तहसील बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ और जो बम धमाका हुआ है उसके संदर्भ में हम लोग प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं और जो भी बम धमाके से संबंधित लोग हैं उनको चिन्हित करा के उनके खिलाफ रासुका और जो भी कानूनी व्यवस्था है उसके तहत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति जो है भविष्य में किसी कचहरी और किसी अधिवक्ता और किसी विधिक सेवा में रह रहे कर्मचारियों के साथ जो है इस तरह की जो है कार्य न हो। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं राशिद कुमार पासा एडवोकेट और महामंत्री अधिवक्ता संघ मेथौर बलिया से उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों की देन है कि आज सारे लोग असुरक्षित हैं। आम जनता को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता समाज के दिन दहाड़े बम में बम से उसे मारा जाता है और पूरी दशक बनी रहती है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी छात्र तमाम ऐसे गरीब मजदूर किसान जो परेशान है जो उत्तर प्रदेश सरकार के नाकामियों की वजह से परेशान है। हम अधिवक्ता समाज बार पहुंची जाए उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में इतनी बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया और हमारी मांग को नहीं मानी गई। सुरक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक निर्देश दिया गया कि जिला जज के माध्यम से तमाम अधिवक्ताओं का परिचय पत्र बना करके जिले के अंदर प्रवेश दिया जाए, अपराधियों पर नकेल कसा जाए। आज उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय रहती तो अपराधियों की इतनी अवकाश नहीं रहती कि अधिवक्ताओं के ऊपर हमला कर सके। अगर अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेगा तो यहाँ की आवाम कैसे सुरक्षित रहेगी? क्योंकि अधिवक्ता समाज के हित के लिए लड़ता है, समाज के हित के लिए कुर्बानी देता है और अधिवक्ताओं के ऊपर अगर इस तरह का हमला होगा तो अधिवक्ता समाज आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा बार कौन जिला उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगा। सड़क से लेकर के सदन तक वकीलों के ऊपर उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा नाम शैलेंद्र एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन बेल्थरा रोड का मैं सदस्य हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लखनऊ राजधानी में जो वकीलों के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है यह टोटली जो उत्तर प्रदेश सरकार की यह कानून व्यवस्था के देन है। अगर कानून व्यवस्था सही सलामत रहता तो वकीलों के ऊपर या आम जनता के ऊपर कोई भी जानलेवा हमला नहीं होता, कोई भी दुर्व्यवस्था नहीं रहती। ये टोटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर सारी यह व्यवस्था कानून व्यवस्था के ऊपर ये जाता है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।